मेरी आज की रेसिपी मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि ये मजेदार वेजिटेरियन डिश किस तरह बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग विद दुआ। आज हमारे किचन में बन रहे हैं नैंडो स्टाइल पेरी पेरी राइस। तो उसको बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है चलिए वो देखते हैं। 1 कप हमने राइस लिए हैं और इनको हमने 1/2 आवर के लिए पानी में सोक कर लिया है। मटर लिए हैं हमने, मैं फ्रोजन यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। 1/2 कप मटर है। शिमला मिर्च है रेड कलर की, एक मैंने ली है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन क्यूब्स लिए हैं मैंने, चिकन स्टॉक क्यूब्स 2। और ये पेरी पेरी राइस सीजनिंग है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून भर के। चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं 1/4 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून, लहसुन मैं ले रही हूँ, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, मैं फ्रोजन यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। पेरी पेरी सॉस मैं यूज कर रही हूँ माइल्ड वाली, आप चाहें तो आप हॉट भी यूज कर सकते हैं और वेरी हॉट भी और लाइट भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भर के। लेमन जूस इसमें जाएगा, फ्रेश लेमन का जूस 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैं इसमें यूज कर रही हूँ जीरा पाउडर, थाइम एक हर्ब है वो भी मैं 1/4 टीस्पून यूज कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हसबे जायका, सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के, कुकिंग ऑयल 1/2 कप और एक अनियन लिया है मीडियम साइज का और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, ये जाएगा इसमें। एक कुकिंग पॉट हमने लिया है, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अनियन और अनियन को 2 मिनट्स के लिए हम सौते करेंगे। प्याज को हमने 1 मिनट के लिए सौते किया है, अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे और इसको मजीद 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। लहसुन को कुक होते हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें मटर डाल देंगे, साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, इनको हल्का सा हिलाएंगे और इसमें हम जीरा और रेड चिली पाउडर और थाइम डालेंगे, एक चिकन का क्यूब डालेंगे, पेरी पेरी राइस सीजनिंग डालेंगे, पेपरिका पाउडर और चिली फ्लेक्स, और पेरी पेरी सॉस, ये डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। शिमला मिर्च और मटर कुक हो रहे हैं, अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे, नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि चिकन क्यूब्स में नमक होता है और सीजनिंग जो हमने पेरी पेरी सीजनिंग डाली है उसमें भी सॉल्ट होता है, तो नमक आप एहतियात से डालिएगा। सोया सॉस ये डाल के हम इसको मजीद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये अच्छी तरह से वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं, अब हम इसमें राइस डालेंगे जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं और इसमें हम उबलता हुआ पानी डालेंगे, ठंडा पानी या टैप का वाटर नहीं डालना, इसमें हम उबलता हुआ पानी डालेंगे। और इस डिश में पेरी पेरी राइस जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, नॉर्मली मैं पानी रखती हूँ 1 इंच ऊपर लेकिन इसमें मैं रखूंगी 2 इंच ऊपर पानी रखूंगी चावलों से, तो इसमें थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करूंगी, दैट्स इट, और इसको पकाएंगे हम थोड़ा। राइस कुक हो रहे हैं, अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो दूसरा क्यूब था चिकन का वो डाल देंगे और जब ये क्यूब डिजोल्व हो जाए उसके बाद अब इसका नमक टेस्ट करें, अगर आपको कम लगे तो आप और नमक ऐड कर लीजिएगा। चावलों का 1/2 से ज्यादा पानी रिड्यूस हो चुका है आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर लेमन जूस, फ्रेश लेमन का जूस हमने इसके अंदर निचोड़ना है, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, फ्रेश लेमन का जूस डालिएगा इसमें, इसको हल्का सा मिक्स करें और इसको दम पे रख दें 10 मिनट्स के लिए। चावलों को दम पे पड़े हुए 10 मिनट्स हो गए, अब मैंने इसकी आग बंद की है और मैं आपके सामने इसका दम खोलने लगी हूँ। ये देखिए जबरदस्त से पेरी पेरी राइस रेडी है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
व्यूअर्स, हमारे मजेदार नैंडो स्टाइल पेरी पेरी राइस रेडी हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह बनते हैं जैसे आप नैंडो से लेके खाते हैं। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।